बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो देखने वाले जो भी छात्र बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं करूँगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब कि जो छात्र प्राइवेट हैं या फिर उन्होंने एक्स फॉर्म डाला है, फेल हो चुके थे एक्स फॉर्म डाला है, ठीक है, तो इस तरीके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आपका रहने वाला है बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर, जैसे हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। और बात करने वाले हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन की। तो जो भी छात्र आप चाहते हैं कि 2022 में 85% प्लस लेके आऊँ, मतलब 2022 के आप टॉपर बने, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपका सिर्फ ये साथ दे सकता है, बाकी कोई और नहीं देगा। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं हो। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने बुक नोट्स गैस पेपर को ओपन करना है और बस इन क्वेश्चन को टिक लगा लेना है अपने बुक नोट्स गैस पेपर पर, बाकी कुछ नहीं करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, समझ रहे हैं ना। चलो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। चलो स्टार्टिंग करते हैं, पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के समझाइए, मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की परिभाषा बता दो, उसकी क्या विशेषता है यह भी बता दो, साथ में महत्व क्या है, क्या इंपोर्टेंट करेक्टर्स हैं उसके, यह भी बता दो, यह पूछा गया है। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन को बना बना के लिख देना, पेपर फेल करने वाला पैदा नहीं आपको किसी भी पेपर में। न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल मत करना, थ्योरी थ्योरी कर दोगे ना तो भी आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। लिख के ले लेना, लिख के मुझसे, और बताओ कोई दिक्कत है तो सूरत तुम्हारे साथ रहेगा। और बताओ, यहां देखो, यहां कह रहा है एक अर्थव्यवसाय, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है, और कह रहा है उसकी आधारभूत समस्याओं का वर्णन करो, मतलब एक अर्थव्यवस्था है क्या, उसकी आधारभूत समस्याओं का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र, ठीक है, की परिभाषा, सीमा, उनकी विशेषता के बारे में, सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम, मांग का नियम क्या होता है आपको ये देखना है। मांग का नियम इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 100% पेपर में छप रहा है, कह रहा है मांग का नियम क्या होता है, और कह रहा है मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है, इसका वर्णन करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, चलो को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां है मांग की आय लोच क्या है, प्रकार भी बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इस क्वेश्चन को रट के जाना। उत्पत्ति हास नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी रट के जाना है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। तालिका की सहायता से कुल आय, औसत और सीमांत आय की व्याख्या करिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा तो इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, बड़े पैमाने से आप क्या समझते हैं इसको छोड़ दीजिएगा, इसके कह रहा है इसके बचने की व्याख्या इसको छोड़ दीजिएगा। अल्पकाल में लागत और उत्पादन में संबंध आपको बताना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके विभिन्न लागत क्या होते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन को याद करके जाना है, ठीक है, समझ लो, अपने टिक लगा लो बुक में, नेक्स्ट नोट्स में, गेस्ट पेपर में, यही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना। यहां कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकाधिकात्मक प्रतियोगिता और उनके मूल्य निर्धारण कैसे होता है आप ये देखेंगे, इसके बारे में आप याद करके जाएंगे। यहां कह रहा है मूल्य विभेदन परिभाषा, ठीक है, यह कब लाभदायक और कब हानि कह सकते हैं, वाधनीय होती है, वाधनीय का मतलब होता है हानिकारक होती है, कब लाभदायक होती है, कब ये हानिकारक होती है, ठीक है, इन दोनों को अच्छी तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, लागन के कह सकते हैं, लागन के आधुनिक सिद्धांत के बारे में देखना है, ब्याज की जो कह सकते हैं जो तरलता सिद्धांत होता है, ब्याज का तरलता सिद्धांत के बारे में आपको देखना है, लाभ क्या है, लाभ के कह सकते हैं अनुचित सिद्धांत के बारे में भी आपको याद करके जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की दर शून्य होती है, स्पष्ट कीजिए, यह कहता है ब्याज की जो दर होती है वो शून्य होती है, स्पष्ट करने के लिए बोलता है। यहां बोला गया है आभास लागान क्या है, ठीक है, और नगद मजदूरी और कह सकते हैं जो समल मजदूरी में अंतर आपको बता देना है,
है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर आपसे पूछ लेता है, वहीं आपसे पूछता है अप्रत्यक्ष लागत उत्पत्ति वृद्धि कह सकते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होते हैं, यहाँ कह रहा है विस्तार पथ की रेखा के बारे में, शॉर्ट में आपने देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना, उत्पादन संबंधित वक्र के बारे में ये क्वेश्चन आपको लास्ट में देखना है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, स्पष्ट कीजिए कीमत षड्यंत्र की सीमाओं के बारे में याद करना, विज्ञापन की मांग और लोच में अंतर आपको देख लेना है, विज्ञापन क्या होता है और मांग की लोच क्या होती है, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है, बस इतना पढ़ना है और 2022 में 85% प्लस लाना है, मतलब कि आप टॉपर बनने वाले हो 2022 के, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है इस किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, यदि आप अपनी सिद्धत से और पेपर हैकर की जो बताई गई क्वेश्चनों से पढ़ते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।